तो बच्चों आज की क्लास है सब सीक्वेंस, अ सीक्वेंस विद इन अ सीक्वेंस। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंसेस में, सब सीक्वेंस टॉपिक है आज का एजेंडा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ये नया भाई है सीक्वेंस का, इसके बारे में कुछ बताते हैं। इनफॉर्मली वी कैन से अ सीक्वेंस विद इन अ सीक्वेंस, विद इन अ सीक्वेंस, लाइक यू कॉल इट एज अ सेट विद इन अ सेट, ए सबसेट, जैसे आप बात करते हैं अ सेट विद इन अ सेट, तो यहाँ पर भी सीक्वेंस विद इन अ सीक्वेंस को सब सीक्वेंस बोला जाता है। ओके रिपोर्ट है, हाँ। अब बोर्ड पे देखो जरा, पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की, राइट। तो सीक्वेंस ए एन ऐसे लिखते हैं, सीक्वेंस ए एन, क्या ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इसको सीक्वेंस क्यों बोलते हैं, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन ऑफ टर्म्स, राइट। और सीक्वेंस के टर्म्स को कौन डिफाइन करता होता है, नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, इंक्रीज, यस ऑफ कोर्स। तो सीक्वेंस के टर्म्स को कौन डिफाइन कर रहा है मेरे बेटा, नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स का ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग, यस। तो सीक्वेंस की यह डेफिनेशन होती है, दोबारा देखिए उदाहरण के तौर पे, ये एक सीक्वेंस लिया मैंने इधर, ऐसे करके टर्म्स लिख दी, 2, 5, 7, 9, 11, 15, ऐसे टर्म्स लिख दी। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हेयर, इज दिस इज द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स, राइट। सो दिस इज अ सीक्वेंस। नाउ आई वुड लाइक टू राइट द सब सीक्वेंस, राइट। तो सब सीक्वेंस लिखने के लिए किस खास बात का ध्यान देना होगा, सब सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं ए एन के सफिक्स में, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सब सीक्वेंस ए एन वन, सेकेंड इज ए एन टू, ए एन थ्री, एंड ऐसे करते करते ए एन के एंड डैश डैश, इनफाइनाइट होगा ना ये भी सेट, ओके, दिस इज अ सब सीक्वेंस। अब सब सीक्वेंस भी तो एक सीक्वेंस है, तो इट शुड फॉलो द सेम नॉर्म्स। तो सब सीक्वेंस के टर्म्स को भी तो ये सफिक्स डिफाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। अरे ये टर्म्स जो होना चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए, तभी तो ये सीक्वेंस कहलाएगा। अरे गर्ल समझ आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो अब ये देखो सीक्वेंस समझाया था यहां पर मैंने ब्लू कलर से, और येलो कलर से सब सीक्वेंस लिखवाया है, ये सीक्वेंस था बेटा, और ये वाला है सब सीक्वेंस। अब बीच में ब्लू कलर से एग्जाम्पल है सीक्वेंस का, अब उसी सीक्वेंस का, ए सॉरी व्हाइट कलर से सब सीक्वेंस बनाने जा रहा हूं, उसी सीक्वेंस का क्या बनाने जा रहा हूं, तो बनाते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इधर ध्यान से, 2, 9, 7, 11, 5, क्या मैं टर्म्स को इस तरीके से लिख सकता हूं, जिस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में सीक्वेंस की टर्म्स होंगी उसी ऑर्डर में किसकी टर्म्स आने चाहिए, यस। अगर ऐसा नहीं है तो वो सब सीक्वेंस भी, तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म सम सेम है लेकिन इसकी सेकंड टर्म इसकी फोर्थ है कि नहीं, तो ऑर्डर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, वन शुड फॉलो द सेम ऑर्डर, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या ये ऑर्डर सेम है, नहीं, तो ये सब सीक्वेंस। तो क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसके बारे में पूरा ज्ञान देते हैं आपको, आइए बोर्ड पे, क्या हम ऐसे लिखें बेटा, 2, 7, 11, 19, अब क्या सब सीक्वेंस है, अब तो है बेटा, बताओ 2 के बाद 7 है, यहां भी, यहां भी 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 7 के बाद 11 है, तो सेम ऑर्डर में है ना, ऑर्डर चेंज तो नहीं हुआ, हाँ। तो सब सीक्वेंस बताने की पहली तारीफ क्या है बेटा, सब सीक्वेंस कब सब सीक्वेंस कहलाएगा, जब इट हैज द सेम ऑर्डर एज द ओरिजिनल सीक्वेंस, जब इसका ऑर्डर कैसा होगा बेटा, एकदम ओरिजिनल सीक्वेंस के सेम होगा। अरे क्लियर है बात,
और एक कंडीशन और थी, मैंने कहा था N1 किससे छोटा होना चाहिए, N2 किससे छोटा होना चाहिए। हाँ, अब इस पे भी आइए जरा, एक बार लिखना चाहते हैं पहले कुछ। तो इनफॉर्मली तो हम बोल देते हैं अ सीक्वेंस विद इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज सब सीक्वेंस, दिस इज इनफॉर्मली आई सेड, है ना। और हम फॉर्मली कैसे बोलेंगे, उस हर सीक्वेंस को सब सीक्वेंस कहेंगे जो सीक्वेंस के ऑर्डर को फॉलो करेगा, जो किसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, सीक्वेंस के ऑर्डर को। सीक्वेंस का ऑर्डर इंक्रीजिंग, टर्म्स का ऑर्डर इंक्रीजिंग है ना बेटा, तो सब सीक्वेंस के टर्म्स का ऑर्डर भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो बहुत काट छाट कर दिया, पहले तो सबसीक्वेंस सबसीक्वेंस 20 पेज का चैप्टर होता था, अब तो 4-5 पेज का छोड़ा है इन्होंने काट काट के। वैसे मेंटल लेवल में बच्चों की में बहुत गिरावट आई है जब से बच्चे फेल नहीं होते। हाँ, मैं को याद है जब हम पढ़ाते थे शुरू में तो मुझे क्लास में बच्चा ढूंढना पड़ता था कोई फेल है कि नहीं है, मतलब एक्चुअल में ढूंढना पड़ता है कौन फेल है। आजकल दबा के होते हैं, अरे ऑनलाइन होने में तो पता ही नहीं होता कुछ, कर क्या रहा है बच्चा ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन से तो हमारा कंट्रोल तो नहीं है ना उस पर। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, मैंने जैसे सारे क्वेश्चन करा दिए क्लास में, फिर भी बोलेगा सर मेरे को तो डाउट है, वही क्वेश्चन दोबारा पूछेगा बच्चा। सच बता रहा हूँ, अभी तुम्हारी क्लास में देख लेना चाहे। हो गया भाई यहाँ तक, उदाहरण पे आ जाइए जल्दी से, मज़ा आ जाएगा उदाहरण देखोगे तो आप भाई। ओए अच्छा ऐड करते हैं, तो ये सीक्वेंस है भाई an, ये उदाहरण है 2, 5, 8, 11, 15 ऐसे टर्म्स है, राइट। सो दिस इज an1 टर्म, राइट, सॉरी फर्स्ट टर्म, नॉट n1, a1, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, this is the third term, fourth term and the fifth term, right. Now this with the subsequence a n k, the suffix has changed here, let it be 2, 8, 15 and so on, right. So this term is a n 1, this is a n 2, this is a n and so on, right beta. Okay, now first of all we have to match this. What is n 1? What is N1? Correct hai? What is N2? 3. Correct hai beta? What is N3? Arre 5 hai na? To mujhe pehle yahan se ye batao, kya N1 is less than N2 is less than N3 hai ki nahi hai, pehle batao. Hai to ye subsequence hai. Agar ye baat hai to... माता रानी ने इनको आशीर्वाद दिया है भाई। ये देखो टर्म्स मैच करो ना, 2, 2, ये A1 है, ये सबसीक्वेंस है An1, तो N1 1 हुआ ना इसके हिसाब से, तो ये 8 है, तो ये A3 है, और ये An2 है, तो N2 क्या हुआ इसके हिसाब से, तो N3 क्या हुआ इसके हिसाब से, तो ऐसे और भी टर्म्स आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। तो बताओ N1 क्या N2 से छोटा है? Yes, अरे 1, 3 से छोटा है ना यार। हाँ। और N2 भी N3 से छोटा है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या इन टर्म्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है? Yes, तो ये सबसीक्वेंस है, तो ये क्या है, मैंने क्या बोला कि जो ऑर्डर सीक्वेंस के टर्म्स का है वही ऑर्डर किसके टर्म्स का भी होना चाहिए, सब सीक्वेंस। इसका भी इंक्रीजिंग है, इसका भी इंक्रीजिंग है कि नहीं बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? No, अब दूसरी बात, ये पहली बात थी यहां पर, अब यहां दूसरी बात, क्या N1 बड़ा बराबर है 1 से? बताओ N1 है क्या? Yes, तो बराबर है ना? क्या N2 बड़ा बराबर है 2 से? क्या है N2? अरे 3 है भाई,
क्या एन थ्री बड़ा बराबर है थ्री से? Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूड किया कि अगर वो सब सीक्वेंस है तो एन के बड़ा बराबर होगा के से फॉर ऑल के बिलोंग्स टू वेयर। तो ये एक और बात बताई मैंने सब सीक्वेंस की आपको कि अगर सब सीक्वेंस है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेके देखेंगे ना, पहले उतारो। लिख लिया। एक एग्जांपल और देखो बच्चों, दोबारा से इन सब चीजों को मैच करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट वी शुड नो द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस। लेट अस, दिस इज विद द सीक्वेंस हियर। आई टेक सीक्वेंसेस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, राइट बेटा? सो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ टर्म, राइट? दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नाउ आई एम राइटिंग सब सीक्वेंस ए एंड के। पहला एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 2, 5, 3, 9, 7। दिस इज ए एंड वन टर्म, राइट? This is A, N4 and, okay, match the terms. What is N1? One. One. What is N2? Four. N3? Two. N4? Eight. N5? Six. क्या ये N1 छोटा है N2 से और छोटा है N3 से क्या? अरे पूछ रहा हूं भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है ना? तो जिस टर्म में सीक्वेंस की ऑर्डर टर्म्स हैं उस टर्म में सब सीक्वेंस के टर्म्स नहीं है ना, तो ये सब सीक्वेंस भी नहीं है। अरे वही तो बात कह रहा था मैं आपको, ये सब सीक्वेंस। अब उदाहरण दूसरा, इसी में से सब सीक्वेंस एक और बनाते हैं। ए एन के 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। This is AN1, AN2, 3 and 4, right? What is N1? 1. What is N2? 4. What is N3? 7. N4? 10. Kya N1 less than hai N2 se? Wo less than N3 se hai? To kya ye sequence ki terms ko follow kar raha hai? तो इसका मतलब ये सब सीक्वेंस है कि नहीं? हाँ, तो ये नॉट अ सब सीक्वेंस है ना ऊपर वाला, ये नॉट अ सब सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस नहीं है मेरे बेटा। और दिस इज अ सब सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस है कि नहीं? एक कंडीशन और सेटिस्फाई कर लेते हैं, क्या N1 बड़ा बराबर है 1 से? देख लो, क्या N2 बड़ा बराबर है 2 से? N2 क्या है? 4 है ना? हाँ। क्या N3 बड़ा बराबर 3 से है?
तो ये वाली बात भी सेटिस्फाई हो रही है कि एन के किससे बड़ा बराबर है बेटा, के से। दूसरी वाली बात भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? अच्छा बहुत पीछे आप, तो भी पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। करता हूँ बेटा, रुको एक मिनट, पहले उतार लेने दो इसको, फिर करता हूँ। उतारो आराम से उतारो, ये एग्जांपल दोबारा इसीलिए दिया है ताकि बता सकूँ कब सब सीक्वेंस है कब नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है, सब सब बातों की एक बात, अगर सीक्वेंस के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो सब सीक्वेंस है, वरना सब सीक्वेंस नहीं। एन फोर इज इक्वल टू फोर है बेटा। कौन सा एग्जाम्पल था? ये था चेस में एन फोर क्या है, 11 टर्म 10 है। हाँ क्लियर है बेटा? हाँ भाई बच्चों लिख लिया। अच्छा जो सीएमआर के बच्चे वो ऑफलाइन क्लास नहीं लेते क्या हमसे? हमारे बच्चे हैं। हाँ कहाँ पर? पंजाबी पर? अच्छा ज़्यादा बच्चे वहाँ के हैं क्या? अटेंडेंस है तुम्हारे पास वहाँ की? तुम इन्फॉर्म करते हो वहाँ क्लास कब होती है? तो बता दो उनको प्लीज़ कि क्लास है, अटेंडेंस लेनी है, ये बच्चे हैं कितने आए नहीं आए बता देना। क्या करूँ मैं इसमें बताओ? एग्जांपल देखो, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस। तो देखो कंसीडर consider a sequence an where a1 a2 a3 ऐसे टर्म्स आएंगे ना, एक सीक्वेंस कंसिडर करना पड़ेगा तभी तो सब सीक्वेंस आएगा है ना। देन ए एन के बी द सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एन इफ एंड ओनली इफ एन के इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, दैट इज एन वन इज लेस देन वॉट। अरे ऐसे ही आएगा कि नहीं बेटा? जो एन के होगा वो कैसा होना चाहिए बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ कैसे नंबर्स बेटा? नेचुरल नंबर्स। ओके इफ एंड ओनली इफ। डन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस।
ओके नेक्स्ट, मुझे आपको पहले वैसे तो लिमिट पॉइंट बताना चाहिए, पर चलो बुक में है कि नहीं ये देखेंगे अभी। सब सीक्वेंस को पढ़ने के दो कायदे हैं हमारे पास, दो तरीके से सब सीक्वेंस पढ़ाते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी लेक्चरर्स की ईगो बहुत ज़्यादा है, तो जो किताब वाला तरीका है वो पढ़ा देता हूँ, तो वो अपना तरीका पढ़ाएंगे और बोलेंगे उसी को ठीक मानेंगे हम, तो क्यों ना दोनों ही पढ़ा दूँ भाई। तरीके तो सारे पता होने चाहिए बच्चों को, अरे है ना, आगे कोई एंट्रेंस भी देना पड़ जाए तो एटलीस्ट नॉलेज तो पूरी हो। तो दो तरीके से सब सीक्वेंस पढ़ा जाता है, एक तरीका है लिमिट पॉइंट वाला और एक सब सीक्वेंस वाला ही है। एक में लिमिट पॉइंट के माध्यम से भी सब सीक्वेंस पढ़ा जाता है। लिमिट पॉइंट के माध्यम से भी क्या पढ़ा जाता है बेटा? सब सीक्वेंस। तो प्रारंभ करें, कौन सा पहले? सब सीक्वेंस मतलब पहले मैं लिमिट पॉइंट बता दूं, क्योंकि आपको लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर ये सब जानने में मदद मिलेगी। वैसे तो कोर्स में हो सकता है पूछ ले, हो सकता है ना पूछे। जब ऑफलाइन था तो पूछ रहा था, जब ऑफलाइन था तो वो क्या कर रहा था? पूछ रहा था। ठीक है, आ जाइए बोर्ड पे। सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। लिमिट पॉइंट क्या बोलते हैं? तो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ क्लस्टर पॉइंट फर्स्ट। तुम्हारे को कराया किसी ने सब सीक्वेंस कॉलेज में? क्या उन्होंने क्लस्टर पॉइंट वर्ड यूज किया था? लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर यूज किया था कि नहीं? अच्छा, कितने पेज में खत्म कराया होगा सब सीक्वेंस? लगभग 4 में 10 में 20 में? चलो कोई नहीं, देखो आओ। हाँ, 2-3 पेज का है नया वाला कोर्स, पुराना कोर्स 20 पेज का है। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको मज़ा आएगा सच में। आप विश्वास करना मेरी बात पे, आप थोड़ा सा फालतू पढ़ेंगे पर लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो लिमिट पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट भी बोला जाता है मेरे बेटा। लिमिट पॉइंट को क्या भी बोला जाता है मेरे बेटा? क्लस्टर पॉइंट। सेट्स में लिमिट पॉइंट बोलते हैं, यहाँ क्लस्टर पॉइंट बोल देते हैं। प्रेरणा, तेरे को तो समझाया भी था हल्का सा मैंने, लिमिट पॉइंट आया याद है तेरे को? हाँ, तो मैं क्लस्टर पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होता है। देखो डेफिनेशन, सीक्वेंस ए एन क्लस्टर्स टू एल इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट such that an belongs to the interval l minus epsilon and l plus epsilon for infinite values of n. For how many values of n? Infinite values of n. तो sequence के terms इस interval में कितनी value, sequence के कितने terms होने चाहिए इस interval में? Infinite terms होने चाहिए। ये definition बोलता है वो cluster point की, ठीक? ये किताब बोलती है, हम अपने तरीके से पढ़ते हैं। देखो अब इसको, अब दोबारा से प्लीज स्टूडेंट्स, मेरे तरीका देखें, मेरा तरीका। क्या मेरे बच्चों तुम्हें कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन आती है? हाँ जी, तो देखो बोर्ड पे जरा मेरे साथ रहना बिल्कुल। कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोर्ड पे मेरे साथ जरा एक मिनट। कहते हैं सीक्वेंस एन सर जी कन्वर्ज कर रहा है एल पे if and only if for each epsilon there exists a natural number, याद है बेटा? Yes, such that mod क्या an minus l किससे छोटा है? For all n greater than equal to what? Correct है, convergence sequence की definition है। क्या मैं इसके अलग अलग रूप लिख दूं अलग अलग रंग से? As it is such that, क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है? An is between for all n greater than equal to n not, चलेगा मेरे बेटा? चलेगा, good। क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है मेरे बेटा कि such that an belongs to the interval l minus epsilon and
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, यस और नॉट, बताइए जरा, ये इंटरवल बन गया ना एक। अरे बोलो भाई। यस सर। अच्छा कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर, वो सारी टर्म जो किससे बड़ी बराबर, एन नॉट मान लो चार है, तो चार से बड़ी टर्म्स कितनी होंगी, इनफाइनाइट। तो क्या ये बात लिखी जा सकती है, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन सच दैट ए एन बिलोंग्स टू दिस इंटरवल फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन। क्या ये स्टेटमेंट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन, क्या ये येलो वाली स्टेटमेंट, येलो येलो मैच हो गए, अरे येलो येलो मैच हो गए, इसका मतलब ये आना जाना फ्री है ना। तो ये डेफिनेशन किसकी, राइट राइट वाली क्लस्टर पॉइंट की। अगर सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो एल ही उसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं, अरे यही तो बात हुई। मैं देखो सीक्वेंस एन क्लस्टर्स टू एल, या एल सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो जब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, तो क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, वो कंक्लूजन देखने वाली बात है बेटा। इफ कंक्लूजन ये है हमारा इस बात का, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू व्हाट, एल, देन एल इज अ क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट ऑफ विच सीक्वेंस, यही तो बात आई है। अगर सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करेगा तो एल क्या जरूर होगा, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट। गल समझ आ गई जी, दसो। हाँ बिल्कुल सेम वही वही बिल्कुल वही वही है वही। अब एग्जाम्पल देखोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हारे को, एग्जाम्पल देखोगे तो मजा आ जाएगा। कैसे सर जी, पहला एग्जाम्पल 1/n, बताओ ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगा, शिवन 0, तो 0 इसका लिमिट है कि नहीं, तो सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो 0 इज द लिमिट पॉइंट। जिस लिमिट पे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वो क्या होगा मेरे बेटा, वेरी गुड। अरे समझ आई बात, सो n अपॉन n प्लस 1 कहां कन्वर्ज करेगा, सो देयरफॉर 1 इज द लिमिट पॉइंट, यस लिमिट पॉइंट। बात समझ में आई मेरे बेटा कि नहीं आई। तो अगर इफ जाना अलाउड है सिर्फ स्टेटमेंट में, इफ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू वेयर एल, देन एल इज अ लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट, एक ही बात है ना बेटा, ओके। पर कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, अगर एल लिमिट पॉइंट है तो ये बात जरूरी नहीं कि वो क्या होगा उसका, कन्वर्ज करेगा। बताता हूं अभी, उतारो पिछले पेज पे पहले। देखो मैं कहां से कहां पहुंचा हूं, क्यों पहुंचा हूं, जान पहचान की चीजें ना जल्दी समझ में आती है यार। सीक्वेंस जैसा मतलब एनालिसिस जैसा टॉपिक नहीं है, जोश आता है पढ़ाते हुए, पर बस टाइम ही नहीं है मेरे पास, है ना भाई। एक्चुअली क्या, बच्चों से मोटिवेशन आता है, यहां बच्चे इतने आते नहीं ऑफलाइन, आते नहीं तो मेरा मन भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है, डामाडोल सा। हाँ नहीं, बेसिक रह नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बच्चे को अगर मैं जैसे आज सबसे मैं बता दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ कॉलेज में जाकर के टीचर से भिड़ जा जाए, मेरे से पढ़ ले पर एक बार। यूट्यूब में मोटिवेशन कहाँ से आएगा, सब डाला हुआ है। पता है आपको, मेरे पास बच्चा आया, सर मैं पिछले साल तो यूट्यूब से मैंने ख़राब कर दिया पूरा, सब लेक्चर अच्छे सब बोलते हैं, सब फ्री में डाला हुआ है, बोले सर कुछ नहीं सब बकवास है। फिर आईटी जैम की क्लास में आया, मैंने बोला फीस, मैंने ऐसी वैसे ट्राई किया मैंने उसको, जबकि फीस हमारी बहुत कम है, बोला सर मैं MSc एंट्रेंस भी करूँगा, ये करूँगा, मैं कहा फीस है 30,000, कर पाएगा, बोले सर ट्रांसफ़र आ गए। वो भाई साहब उसने ऐप पे भी कर दिया, मैंने उसको बताया भाई नहीं 24 थी फीस, तेरे वापस कर रहे हैं पैसे, पर नहीं सर मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मुझे करना ही है अब, और सर अगर मैंने एक बार क्रैक कर लिया ना पूरा कॉलेज भर दूंगा मैं सर अपना यहाँ पर। तो सब बच्चों से मैंने देखा कि यूट्यूब पे चीज़ें हैं तो सही, पर मोटिवेशन नहीं है और ट्रस्ट भी नहीं है बहुत सारा। हाँ
हाँ नहीं, एक तो तुम्हारे कोर्स के स्पेसिफिक चीज़ है कि नहीं है वो, क्योंकि तुम्हें तो नॉलेज नहीं है ना कोर्स की। अगर तुम्हें सब कुछ हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी तो तब तुम्हारे लिए वो चीज़ बेकार है। या तो ये बोल दे भाई ये मैथ्स ऑनर्स के सेमेस्टर टू के लिए है स्पेसिफिकली, तो फिर भी तुम फोकस करोगे वहाँ पर। लगा रहा हूँ ना क्रोमो स्टूडियो, देखो फटाफट बैठ के सारे लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं मुझे। इस पे खड़े खड़े थक जाते हैं सुबह शाम तक इस पे, उसमें तो रात को बैठो लेक्चर रिकॉर्ड कर लो रंगीन माहौल में। हाँ जी भाई पहुँचो, 7 बजे पहुँचो यार, आप थोड़ा सा पहले पहुँचो, मैं 5-10 मिनट लेट आऊँगा प्लीज़। अच्छा ये तो तुमने ही बनवाया था यार बैठ के। तो पर वो तो वहाँ से निकल जाना ना पीयूष का, तो पीयूष के टाइमिंग के लिए तो वहाँ से निकल जाना। अच्छा, तो वो भानु को तो भेज दोगे, वो लेके पहुँच जाएगा वो तो। नहीं, उसी को बोलते, मैं रिंकू को भेज दूँ क्या? रिंकू को ठीक नहीं वो, अच्छा वो नहीं, उसके लिए कह रहा हूँ मैं तो। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ वहाँ है स्टाफ है वहाँ पर। हाँ 4 बहुत है। ओहो यार वो खरीद लेता हूँ मैं, चल अभी मिल जाएंगे यहीं से। वो 20 ईयर्स वाली, क्या आउट वाली ईयर्स? अच्छा चल ठीक है, यही भिजवा दो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबका 7 आएंगे, 8 8। हो गया बेटा यहाँ तक? तो जिस लिमिट पे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वो लिमिट पॉइंट होगा। क्या ये बात पक्की हो गई है हमारी? Yes, sir. बोलो नेक्स्ट आगे। अब क्या कहता है एग्जामिनर, बोर्ड पे ध्यान से सुनो। एक है बोल्जानो विस्ट्रास थ्योरम, सेट्स की भी है सीक्वेंस की भी है। बोल्जानो विस्ट्रास थ्योरम कहती क्या है, पहले लिमिट पॉइंट पॉइंट की फॉर्म में सुनेंगे हम इसे, ठीक है? लिमिट पॉइंट की फॉर्म में, क्योंकि मैं पहले लिमिट पॉइंट चालू किया है। तो बोल्जानो विस्ट्रास थ्योरम कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस या हैज अ लिमिट पॉइंट। बात करता हूँ उनको बोर्ड पे। पहले बताओ एमसीटी थ्योरम याद है? एमसी yes, याद है, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, कि कोई yes, भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली होगा तो उसका वो इंक्रीजिंग होगा तो और बाउंड अबव होगा तो कन्वर्ज करेगा, और डिक्रीजिंग होगा तो और बाउंड बिलो होगा तो भी क्या करेगा। तो बोल्जानो विस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है, एवरी बोर्ड पे देखे प्लीज ध्यान से, एवरी मोनोटोनिक, ओहो एंड बाउंडेड, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ, क्या बोला था मैं भूल ही गया, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, हैज अ लिमिट पॉइंट, या इसको कुछ टीचर ऐसे भी बोलते हैं
एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो बोला सर आपने कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लिख दिया और लिमिट पॉइंट भी लिख दिया, दोनों लिख दिए. मैं बोला बात एक ही है. बात क्या है? एक ही है. कैसे? देखो बोर्ड पे. एग्जाम्पल ध्यान से बोर्ड पे, क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं? बोलो बच्चों. तो सीक्वेंस एन कैसा है? बाउंडेड. अब इसके बनाते हैं सब सीक्वेंस. क्या बनाते हैं इसके? तो एक सब सीक्वेंस वन 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 बनेगा. ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है? One. एक सब सीक्वेंस क्या बनेगा? और वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है? और जिस लिमिट पे सीक्वेंस कन्वर्ज करता है वो लिमिट पॉइंट होता है कि नहीं? Yes, अरे बोलो मेरे बेटा. Yes, sir. तो बताओ हमारी दोनों बातें प्रूव हो गई क्या? क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड था? तो इसके कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस थे. क्या थे? कन्वर्जेंट. क्या सब सीक्वेंस खुद का सीक्वेंस भी होता है? तो ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रहा है? तो वन इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं? ये सीक्वेंस टू पे कन्वर्ज कर रहा है, टू इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं? तो बताओ इस सीक्वेंस के कितने सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या है? इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या है मेरे बेटा? वन एंड इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट टू. उसको बोलते हैं लिमिट सुपीरियर. क्या बोलते हैं बेटा? लिमिट सुपीरियर. लीस्ट लिमिट पॉइंट क्या है? लीस्ट लिमिट पॉइंट लिमिट इनफीरियर. क्या बोलते हैं इसको? लिमिट. अरे जो बड़ा होगा उसको लिमिट सुपीरियर बोलेंगे, जो छोटा उसको लिमिट इनफीरियर बोलेंगे. पहले बताओ ये स्टेटमेंट और ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और एग्जांपल देखो बोर्ड पे मेरे साथ. एग्जांपल नंबर टू, सीक्वेंस वन बाय टू, टू बाय थ्री, वन बाय थ्री, थ्री बाय फोर, वन बाय फोर, फोर बाय फाइव. ये सीक्वेंस बना के नहीं बना बताओ? हाँ जी बच्चों. यस सर. ओके तो बताओ वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? क्या ये सब सीक्वेंस है? पहले बताओ ऊपर वाला बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं है? पहले बताओ. अरे है ना बाउंडेड. बाउंडेड अबव बाय वन, बिलो बाय जीरो ना. अबव बाय वन, बिलो बाय. तो ये ऊपर वाला सीक्वेंस बाउंडेड है. तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो सब सीक्वेंस एक कहां कन्वर्ज कर रहा है? और दूसरा वन पे. तो अगर सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तो क्या जीरो लिमिट पॉइंट होगा? और वन भी क्या होगा? तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या हो गया? जीरो और व्हाट इज लिमिट सुपीरियर? लिमिट इनफीरियर? अरे करेक्ट है बात. और रुको अभी लिखना नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है. एग्जाम्पल थ्री मेरे बेटा. एग्जाम्पल थ्री, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, वन बाय फाइव, वन बाय सिक्स, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं? पहले बताओ बाउंडेड है कि नहीं है ये? क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है. तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो इसके सब सीक्वेंस बनाओ आप. तो क्या एक सब सीक्वेंस वन बाय टू, वन बाय फोर, वन बाय सिक्स कहाँ कन्वर्ज करेगा? एक सब सीक्वेंस वन बाय थ्री, वन बाय फाइव, वन बाय सेवन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? एक सब सीक्वेंस वन बाय फाइव, वन बाय टेन, वन बाय फाइव क्या कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? अरे बोलो. तो ये इसका लिमिट पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ. तो बताओ इसके कितने लिमिट पॉइंट हुए? एक ही हुआ ना, जीरो. सुनो, जब सब सीक्वेंस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हो, जब सारे सब सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रहे हो? तो एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं कि नहीं? तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा? और या यूं कहो सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करता है तो सारे के सारे सब सीक्वेंस भी किस पे कन्वर्ज करेंगे? अरे बोलो. अगर तो क्या ये अंग्रेजी लिखनी ठीक रहेगी यहां पर? अंग्रेजी, इफ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल इफ एंड ओनली इफ
every subsequence of it is also converges to L. अगर सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रहा है तो सारे के सारे सबसीक्वेंस भी कहां कन्वर्ज करेंगे? हेलो, हाँ बेटा ये समझ में आई नहीं बात, ये इफ आना जाना फ्री है बेटा, अगर सारे सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो सीक्वेंस भी कहां कन्वर्ज करेगा, और सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो सारे सब सीक्वेंस भी कहां करेंगे, आना जाना फ्री हुआ ना, क्योंकि लिमिट यूनिक है, क्योंकि लिमिट कैसी है? हाँ, तो एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट, एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस हैज अ, अरे वही लिमिट पॉइंट होगा ना, और सारे के सारे सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो सारे सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो एल यून का लिमिट पॉइंट हो गया, तो क्या एल यूनिक लिमिट पॉइंट हो गया? तो सीक्वेंस भी एल पे कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ हो गया, आना जाना फ्री नहीं है, जल्दीबाजी होगी शायद, आ गया समझ में ना? हाँ, पिछला एग्जाम्पल करूँ वापस जहाँ से लिखना है आपको, ये लिमिट पॉइंट के माध्यम से बताई जा रही बातें कि अगर बोल्ज़ान और विस्टर्स थ्योरम क्या कह रही थी बताओ, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट, वो भी है ही, और हैज अ लिमिट पॉइंट, हैज अ का मतलब होता है कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, हैज अ का मतलब क्या होता है? हाँ, सो व्हेनेवर वी यूज द वर्ड हैज अ इट मींस वी आर टॉकिंग कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, अभी बता रहा हूँ, आ रहा हूँ बेटा एग्जांपल टू पे, एक मिनट उतार ले इसको, उतार लिया? नहीं सर, उतार दिया। तो एग्जांपल वन में देखो बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके सब सीक्वेंस क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे, तो हमने दो सब सीक्वेंस बनाए, वो एक वन पे कन्वर्ज कर रहा है, एक टू पे, और सब सीक्वेंस खुद का सीक्वेंस भी होता है, सबसीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, अरे है ना, जैसे सबसेट सेट भी तो होता है, तो ये वन पे कन्वर्ज करे तो वन इसका लिमिट पॉइंट हो गया, वो टू पे कन्वर्ज करे टू इसका लिमिट पॉइंट हो गया, तो उसके दो लिमिट पॉइंट हो गए, यस बेटा ये तो है ही ना, मैं करके बताऊं, उदाहरण लिख के बताऊं, अभी एक मिनट उतार पहले फटाफट, अरे सब चीज प्रूव कर देता है मैथ वाले, तो हो गया एग्जांपल टू में क्या पूछना है तेरे को? सर एग्जांपल टू कन्वर्ज कर दिया,
कहाँ कन्वर्ज कर रही है एग्जाम्पल टू में? कन्वर्ज नहीं कर रही ना. तो हमने कब बोला कि सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए? हमने बोला सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए. अरे भाई आऊंगा ना, तू टू टू को ऐसे थोड़ी मिक्स कर सकते कुछ भी, ऐसे नहीं मिक्स कर सकते आप ना चीज को. पहले टू पे आओ, टू बताओ समझ में आ गया टू आपको? यस सर. अब थ्री पे आओ, पहले बाउंडेड पकड़ते हैं. क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? अरे बोल भाई, सॉरी. यस सर. है ना, तो इसके सबसीक्वेंस बना. क्या सारे सबसीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं? यस सर. तो कन्वर्ज करे तो लिमिट पॉइंट होगा ना इसका? यस सर. क्या लिमिट पॉइंट यूनिक है? यस सर. तो इसका मतलब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा. देखो कर रहा है जीरो पे. हाँ, जब सबसीक्वेंस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब सीक्वेंस भी एल पे कन्वर्ज करेगा ना बेटा. तो मैंने बीच में इफ एंड ओनली इफ लगा दिया. अगर सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करेगा तो सारे सबसीक्वेंस भी कहां कन्वर्ज करेंगे? एल पे. और अगर सारे सबसीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो सीक्वेंस भी एल पे. यस बेटा. तो एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट. एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस हैज अ. ये एग्जाम्पल थ्री के लिए बात सेट बैठती है कि नहीं बताओ? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट. अब गल क्लियर हो गई? अब yes, sir, हो गई. तो बेटा हाँ, ये इस पे थ्री में लिख दे कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे. थ्री में ऊपर लिख दे बाउंडेड तो है ही, कन्वर्ज भी किस पे कर रहा है? तो सारे सबसीक्वेंस भी किस पे कन्वर्ज करेंगे? जीरो पे. और आना भी, आना जाना अलाउड है. अब सुन मेरी बात प्रेरणा, ध्यान से लिख ले पहले और मुझे बता दिया जब लिख लिया. तो सुनो सारे बच्चे ध्यान से. अगर एक सबसीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है और एक सबसीक्वेंस एल डैश पे, तो क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि दो सबसीक्वेंस दो अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं ना. तो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा. हाँ बेटा, तो बाउंडेड सीक्वेंस अगर बोलते हैं ना, जब सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड है, तो उसमें सबसीक्वेंस कन्वर्ज करेगा. तो जितने भी सबसीक्वेंस हो सकता है अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हो, और हो सकता है एक पे भी कन्वर्ज कर रहे हो. तो जो पीछे वाले एग्जांपल थे अलग अलग लिमिट के थे, दो से दो फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड वाला सेम लिमिट वाला था. तो अगर सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा तो सीक्वेंस भी वहां पर कन्वर्ज करेगा कि नहीं? हाँ बेटा, क्लियर है कि नहीं बताओ ये बात? हाँ, तो वो लिख लिया एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट. अब लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट. देखो एग्जाम्पल टू को दिमाग में रख लेना. अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर बराबर हैं, तो बताओ कितने लिमिट पॉइंट हुए उसके? तो बता सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगा? If limit superior is L, limit inferior is also L, then sequence converges to L ना बेटा? Yes sir. सबसे बड़ा limit point भी L है, सबसे छोटा भी क्या है? L है. तो मतलब sequence भी किस पे converge कर रहा है? L पे. तभी तो सारे subsequence L पे converge कर रहे हैं बेटा. अरे clear है मेरी बच्ची? Clear sir. अब मुझे बताओ, अगर सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करता है तो सारे सबसीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेंगे? अगर सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है उसे कितने लिमिट पॉइंट होंगे? यूनिक. समझ में आया कि नहीं? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके कितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट. वंडरफुल. बाउंडेड सीक्वेंस के तो इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें से इनफाइनाइट सबसीक्वेंस बन सकते हैं जो कन्वर्ज कर रहे होंगे. हाँ, आई होप द पिक्चर इज क्लियर इन योर माइंड. हाँ.
मेरे बच्चों ये तो मैंने कन्वर्जेंस बता दिया, लिमिट पॉइंट बता दिया, एक दो स्टेटमेंट बता दूं मेरे बच्चों को ताकि मेरे बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो आगे और वो स्टेटमेंट्स को लिख लें वो बाकायदा, है ना। तो अगर लिख लेंगे तो आपका भला होगा। कहाँ गया ये रहा, ये नहीं है। मिल गया। मैं फटाफट स्टेटमेंट बोलता हूँ, सारे लिखते जाओ फटाफट। पहली स्टेटमेंट लिखो दोबारा से सारी स्टेटमेंट। नंबर वन, थ्योरम वन, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। ऑर्डर में लिखते जाओ। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, क्लियर है ये बात। नंबर टू स्टेटमेंट, अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एंड हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। वो दसो भाजी, अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एंड हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। अरे बताओ, कन्वर्ज करेगा यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, और कन्वर्ज करेगा तो बाउंडेड भी होगा यार। या यूं कहो, किसी का एक ही लिमिट पॉइंट है और वो बाउंडेड है तो वो क्या भी करेगा, कन्वर्ज। थर्ड स्टेटमेंट, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सेट, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड। ठीक है बेटा, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑल्सो, तो लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है बाउंडेड सीक्वेंस वो भी बाउंडेड ही होता है हमेशा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस आर, ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस आर लिमिट पॉइंट ऑफ इट, आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट, हैज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट। क्लियर है अभी? क्या था मेरे बच्चे लास्ट में? हाँ, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट। लास्ट स्टेटमेंट, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू एल, लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू एल। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहां तक की बात? फाइंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, 1/n, n अपॉन n प्लस 1, फाइंड लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, 1/n टू द पावर n, इन सब के लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइंड करने हैं आपको।
जैसे मुझसे पूछ सकते हो कोई भी आप, कोई आपको तीन अलाउड है पूछने सिर्फ, एनी थ्री यू कैन आस्क मी. बोलो बच्चों कौन सा बताऊं. नहीं नहीं मुझसे पहले पूछ लो, ट्राई अपने घर पे करना, पहले तीन छांट लो अच्छे से. थर्ड यू वांट थर्ड, थर्ड बता दूं. थर्ड तो दुनिया का सबसे आसान है. देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वन प्लस माइनस आर टू द पावर एन, टू द पावर एन इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आर. कोई फार्मूला कभी किया है हमने? नहीं किया, कोई बात नहीं, बारहवीं में ग्यारहवीं में किया होगा. चलो आर क्या है, आर समझ में आ रहा है यहाँ पर कुछ भी? माहौल बदलते हैं, रुको. और क्या, प्लस माइनस आर, प्लस माइनस आर. तो इस क्वेश्चन में आर पहचानो क्या है, तो ई आंसर हो गया ना. हो गया भाई, इसका लिमिट पॉइंट ई आ गया ना. और कौन सा बताऊं, एक पूछ लिया आपने. इलेवेंथ, ये वाला सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ये, ये, अरे लिमिट इंटेंसिटी फिट लगाओ ना. तो तीन लिमिट आ गई, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या हो गया आपका? तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है? और दो पूछ लिए, लाइफ लाइन एक ही बची है. सिक्स्थ में एन की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करो, आपको सब सीक्वेंस मिलेंगे यहाँ से. सिक्स्थ में सब सीक्वेंस मिलेंगे बेटा, एन की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करने से. क्या सब सीक्वेंस मिलेगा आपको इसमें, करके देखना आपने, -2, 3/2 ऐसे करके मिलता जाएगा. सेवन्थ इजी है, सेवन में एन की वैल्यू 1 डालो, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2. अरे बोल भाई, 2π/3 भी √3/2, 3π/3 पाई 0, फिर -√3/2, फिर -√3/2, फिर 0, राइट, चलता जाएगा ऐसे. तो बताओ √3/2 वाला सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 वाला, -√3 वाले बाय 2. तो लिमिट सुपीरियर √3/2, लिमिट इन्फीरियर -√3/2 आएगा कि नहीं आएगा? बहुत इजी है सब ये. जैसे इसमें देखो सब सीक्वेंस क्या बनेंगे, 1, 1, 1 कहाँ कन्वर्ज करेगा, 1/2, 1/3, 1/4 कहाँ करेगा, 2/3, 3/4, 4/5 कहाँ करेगा, 1 पे. तो 0 और 1 दो ही आए ना, लिमिट सुपीरियर 1 हो गया, लिमिट इन्फीरियर 0. हिंट समझ में आ गया सारा. ये एक सीक्वेंस की लिमिट 0, दूसरा बाउंडेड, तो दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट, एक सीक्वेंस की लिमिट 0, 1/n की लिमिट क्या होती है, और -1 to the power n बाउंडेड होता है कि नहीं? Yes, sir. तो एक सीक्वेंस के लिए लिमिट 0, दूसरा बाउंडेड, तो दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट 0 होगी ना. तो लिमिट 0 है तो लिमिट पॉइंट क्या है, 0. लिमिट सुपीरियर क्या है, 0. इन्फीरियर भी 0. अरे ठीक है बच्चों, है ना, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी पुट करके देख लो सब में. बस ये ही है अच्छा सबसे इसमें, ये और ये, बस बाकी सब इजी है. जैसे इसके लिमिट पॉइंट्स क्या आएंगे बताओ, 10th के 1, जस्ट 1, क्योंकि लिमिट एंड इंटेंसिटी पुट करोगे 1, 1, तो 1 ही लिमिट पॉइंट आया, वही लिमिट सुपीरियर, वही लिमिट इंफीरियर. अरे ठीक है, तो बताओ सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगा ये, 1 पे, क्योंकि लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर सेम आ जाता है. हाँ
हाँ जी प्रेरणा जी, समझ में आ गया? नहीं नहीं, अंग्रेजी क्यों करनी है, हमें तो वैसे सीखना है बस, हमें अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, हमें तो नॉलेज होनी चाहिए। वी आर हेयर फॉर द नॉलेज। लिखने के आएगा नहीं ऐसा कुछ, ये तो बस जो मैंने आपको लिमिट पॉइंट वाला तरीका था वो बता दिया। अब सच में बेस्ट तरीका वैसे वही है, लिमिट पॉइंट वाला तरीका ही बेस्ट है। पर अब सब सीक्वेंस की दो थ्योरम रह गई हैं, कुछ क्वेश्चन कल खत्म हो जाएगा सब सीक्वेंस। आज सर 3.1 3.2 3.3 करने के लिए कहा था, इसके डाउट्स को मिल गया, एक बार खत्म करा दो सीक्वेंस, फिर डाउट्स ही ले लेंगे इसके। ओके सर। अब कल का सीक्वेंस खत्म हो जाएगा पूरा, सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस शुरू हो जाएगा बस, फिर सीक्वेंसेस पूरा खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा सेक्शन सीक्वेंस है ना आपका, सबसे बड़ा सीक्वेंस है, उसके बाद सीरीज है, उसके बाद सेट्स है। हाँ मानो, नमस्ते, हेलो। हाँ तो लड़का होगा ना वहाँ, एक सेकंड रुक, कहाँ चला गया भाई, तेरे को बोला था ऑफिस में रहना है आज, ऑफिस में ही है तू, तो वो कोई बाहर गेट पे खड़ा है, ताला लगा हुआ है। एक मिनट रुक, तो कहाँ खड़ा है, पंजाबी बाग में। अब सेक्टर 7 का तो ऑफिस बंद है, अमित भाई को पूछ ले, पंजाबी बाग बोला था उन्होंने, बोला सेक्टर 7, पूछ ले पहले उनसे, एक बार पूछ ले उनसे पहले, पंजाबी बाग पहुंचना है वहां तो, लड़के सब स्टाफ बैठे हैं यार वहां।